मालिक ही प्यारे सत्संग जी, जो नाम जपते हैं, सेवा करते हैं, मालिक को अति प्यारे होते हैं, उनके बिगड़े काज सदगुरु मौला खुद संवारते हैं। मालिक का नाम लेना बहुत बड़ी बात है, उसका जाप करना, उसका अभ्यास करना उससे भी बड़ी बात है। इस संसार से हर प्राणी को जाना होता है, ये लाजमी है, 100% सच है कि जो बना है एक दिन बिगड़ना है, जो आया है एक दिन जाता है। लेकिन जिसने मालिक का नाम लिया होता है, मालिक से प्यार होता है, उसकी इस धरती पे अगर उड़ निपती है तो उसकी कुलों का भी उद्धार मालिक फौरन कर दिया करते हैं। वो गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जाया करते हैं। तो भाई, इसलिए जरूरी है कि मालिक का नाम जपा जाए, भक्ति इबादत की जाए। किसी को कोई मालूम नहीं होता उसका आखिरी टाइम कब, कहाँ, किस जगह आना है। लेकिन कहीं भी कोई समय आ जाए, जो मालिक का नाम जपते हैं, जिनका मालिक से प्यार होता है, वो आत्मा कभी भटका नहीं करती, मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही चली जाती है। तो इसलिए सुमरण करते रहो, भक्ति इबादत में अपने आप को लगा के रखो, क्योंकि मालिक की भक्ति ही एक वो ताकत है जो इंसान को गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्त करती है। भक्ति में शक्ति है जो आत्मा को यहां भी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्त रखती है, और आगे भी वो आत्मा कहीं अटकती नहीं, सीधी निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जाती है। वरना स्वर्ग नरक भोगने के बाद आत्मा को जन्म मरण का बेअंतहा दुख दर्द उठाना पड़ता है। पर जिनका मालिक से नाम लिया होता है, वो मालिक की गोद में विराजते हैं और दोनों जहां की खुशियां हासिल हमेशा करते रहते हैं। इसलिए मालिक के नाम का सुमरण किया करो, भक्ति इबादत किया करो, और ये दुआ करो कि मालिक सबका भला करे। क्योंकि जो मालिक से प्यार करते हैं, मालिक का और उसकी औलाद से मोहब्बत करते हैं, वो इनडायरेक्टली मालिक से ही प्यार करते हैं, मालिक की ही बीमार पुरुषी करते हैं। तो इसलिए जितना हो सके सबके लिए दुआ करो, भले कर्म करो और मालिक का नाम जपो, ताकि गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए और मालिक के रहमो करम के हकदार आप बनते चले जाएं।